देखो, यदि कोई फंक्शन आपको एक्स एन दे रखा और उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, तो ये पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो एन एक्स एन माइनस वन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। के कोई कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाता है, और कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में एक्स है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स में है तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है। रूट एक्स है तो इसको एक्स की पावर 1/2 लिख के सोल्व करते हैं ना, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ई एक्स का ई एक्स ही रहता है। ई ए एक्स में देखो, ई एक्स का तो वापस ई एक्स, तो ये सेम लिख दिया, और ए एक्स का वापस से करेंगे तो ए हो जाएगा। ई ए एक्स प्लस बी, तो पहले एक बार इसको सेम लिख देंगे और इस ए एक्स से ए हो जाएगा। ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को तो पहले लिख देंगे, और माइनस एक्स स्क्वायर का वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x। ए एक्स का हो जाएगा ए एक्स लॉग ए। अब देखो ये भी एक बार लिख लो, साइन कोस टेन के, फिर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स का सेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोट एक्स का हो जाएगा आपका माइनस कोसेक, ये है ना सी एस सी कोसेक है ये ना, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स का हो जाएगा कोसेक एक्स कोट एक्स। ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है ना, वैसे ये अभी आपके यूजफुल नहीं है, लेकिन चलो नोट कर लो। एच का मतलब होता है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, कोस हाइपरबोलिक फंक्शन, टेन हाइपरबोलिक, इस टाइप से। यहाँ 6 तक तो आपके यूज के हैं, यदि ये भी लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत। चलो देखो, जो अभी डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे थे वे नॉर्मल डायरेक्ट आप किस टाइप से अवकलन कर सकते हो, उस टाइप से। एक होता है प्रथम सिद्धांत से अवकलन, उसके लिए एक चीज है, माना एफ एक वास्तविक फलन है, एफ कोई अपना वास्तविक फलन है, और इसकी किसी बिंदु ए पर, देखो एफ कोई अपना फंक्शन है, फंक्शन के किसी पॉइंट ए पर
एफ का अवकलज, मतलब एफ कोई फंक्शन दे रखा है उसी के किसी पॉइंट ए पर उसका अवकलज किस टाइप से फाइंड करेंगे अपन। एफ डैश ए इक्वल्स टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये प्रथम सिद्धांत से अवकलज का फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लो, इससे अपन सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। डैश का मतलब अवकलज होता है ना। और ये जो पॉइंट ए होता है ना, ये एफ के प्रांत में स्थित होता है, मतलब इसमें डिफाइंड है, ये पॉइंट ए किस में डिफाइंड है, फंक्शन एफ में डिफाइंड है ना, तो ये इसी का कोई पॉइंट ए होता है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। हो गया ये वाला। चलो अब देखो, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कोई। इक्वल्स टू टू पर फलन एफ एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स का अवकलज ज्ञात करें। अभी अपना फॉर्मूला था एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो यहाँ पे पॉइंट कौन है, टू पे। ये पॉइंट अपना कौन सा है, किस पॉइंट पे फाइंड करवाना चाह रहे हैं अपने, टू से, और फंक्शन है आपका थ्री एक्स। तो ये आपका क्या हो गया, वैसे ए हो गया, इस पॉइंट पे फाइंड करवाना चाह रहे हैं ना, तो किसी बिंदु ए पर, अभी अपन ने डेफिनेशन में यही तो पढ़ा था, किसी बिंदु ए पर अवकलज मतलब एक्स इक्वल्स टू टू पर अवकलज पता करना है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एफ डैश टू लिखूंगा और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब एफ ए प्लस एच, ए कितना अपना टू प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन एच। अब यहां से कंपेयर करो, यदि f के अंदर x आता है तो इसको अपन क्या लिखते हैं, 3x। तो इसको क्या लिखोगे, f डैश टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f, ये आपका क्या सारा अंदर वाला पार्ट x है, तो इसको क्या लिखते हैं, 3 इंटू एक्स। तो इसको मैं लिख दूंगा 3 टू प्लस एच माइनस, इसको क्या लिखूंगा मैं, 3 टू अपॉन एच। अब चेंज करो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो 3 टू जै 6 प्लस 3 एच माइनस 6 अपॉन एच, 6 से 6 कैंसिल, इस एच से यह एच कैंसिल, तो लास्ट में आपका क्या बचा आंसर, 3। तो ये इसका अवकलज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और वैसे आप डायरेक्ट 3x का अवकलज करोगे तो भी तो क्या आएगा, 3 आएगा। यदि यहाँ पे 3x स्क्वायर होता तो आपका होता 6x, और 6x होने के बाद में ये वैल्यू पुट करते अपन 2, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इसका 3x का किया तो अपन ने 3 हो गया, अब इसमें x की वैल्यू पुट करने की जगह ही नहीं है ना। चलो नोट कर लो। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है ना।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक्स इक्वल्स टू -1 पर फलन देर का, आपको ये भी आपकी बुक का है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x-5 का अवकलज ज्ञात कीजिए। का अवकलज ज्ञात करना है एक तो, और सेकंड आपको देर का ये भी सिद्ध करें, ये आपको प्रूफ करना है कि f'0 प्लस 3f'-1 इक्वल्स टू 0, ये चीज भी प्रूफ करनी है, पहले अवकलन पता करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। आपको पॉइंट दे रखा है x इक्वल्स टू -1, ये आपका क्या हो गया, a हो गया, है ना। तो लिखो पहले f'-1 इक्वल्स टू f a प्लस h, a कितना आपका -1 और h, लिमिट लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जब लास्ट में मतलब h कहाँ पे जा रहा है, 0 पे, मतलब इस h की वैल्यू लगभग किसके इक्वल हो रही है, 0 के इक्वल। और एच 0 कब पुट करना है, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट टर्म बचेगी ना तब 0 पुट करना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 पुट कर देंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस फिर माइनस एफ -1 अपॉन एच। अब देखो अपना फंक्शन यदि एफ एक्स होता तो वो इस टाइप से ओपन होता है, तो इसको ओपन करो, लिमिट यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो क्या बनेगा ये देखो, एफ -1 प्लस एच, एफ एक्स आता तो इस टाइप से ओपन होता, तो 2 -1 प्लस h² हो गया, फिर प्लस 3 -1 प्लस h होगा, फिर -5, ये आपका ये वाला पार्ट, माइनस एफ -1 आएगा, तो इसको इस टाइप से लिखो, तो ये हो जाएगा 2 -1² प्लस 3 -1 -5 अपॉन में h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2, अब ये स्क्वायर वाला है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा फर्स्ट में तो 1 प्लस h² -2h-3 प्लस 3h-5, और माइनस ये हो जाएगा 2 -3 -5। अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा अपना 2 + 2h² - 4h - 6 प्लस 6h - 10, और माइनस ये कितना हो जाएगा, -8 - 6 प्लस 6, ये हो जाएगा प्लस 6 अपॉन एच, इस 6 से ये 6 कैंसिल, और कोई कैंसिल हो रहा है, 2h² - 10 है, तो ये हो जाएगा आपका -4 - +2h। ये तो हो गया अपना 2h² -4h, ये हो जाएगा +2h। कहीं मिस्टेक हुई है क्या, एक बार इस वाले स्टेप को वापस से लिख लेते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी शायद, ऐसा तो कुछ बनना ही नहीं चाहिए। देखो क्या था, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इस 2 को यहाँ पे लिख के ये हो जाएगा 1 प्लस h² - 2h प्लस, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3h - 5, और ये सारा हो जाएगा आपका -2 + 3 + 5 अपॉन एच। हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना, तो ये हो जाएगा अपना 2 + 2h² - 4h - 3 + 3h - 5 - 2 + 3 + 5 अपॉन एच।
लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखो माइनस फोर एच और ये वाला थ्री एच मिलके कितना बनेगा, माइनस एच, और ये टू से टू कैंसिल, 5 4 3 8, 5 3 3 ये कैंसिल सारा, तो यहाँ पे बन रहा आपका 2h² माइनस 3h माइनस 4h माइनस h अपॉन h, बस इतना सा बचेगा ना। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h कॉमन लेते हैं तो 2h माइनस 1 अपॉन h, h से h कैंसिल। अब इसमें h की वैल्यू पुट कर दो तो ये सारा जीरो हो जाएगा, तो लास्ट में आपका आंसर होगा माइनस वन। मतलब इस चीज का डिफरेंशिएशन कितना हो गया fx का, माइनस वन। कौन से पॉइंट पे, x इक्वल्स टू माइनस वन पे। चलो यहां तक नोट करो। अब ये आपने ओनली एफ डैश माइनस वन पे फाइंड किया, ऐसे ही आपको एफ जीरो पे भी पता करना पड़ेगा क्योंकि अपने को प्रूफ में पूछा है। तो एफ डैश जीरो पे देखो तो क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच, एफ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एफ डैश जीरो पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, 2 0 प्लस h² माइनस प्लस 3 0 प्लस h माइनस 5 माइनस 2 0 स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस माइनस 5, ये माइनस है ना, अपॉन h। एफ डैश जीरो पे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा आपका 2 h² प्लस 3 h माइनस 5 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 5 अपॉन h के, इससे कैंसिल। और ये माइनस 5 और ये कितना था, माइनस 2 और माइनस 3, ये माइनस का 5 एक्स्ट्रा है। माइनस टू नहीं है ना, ये जीरो से कैंसिल होकर जीरो हो गया। हाँ ये नहीं आएगा और ये वाला पार्ट भी नहीं आएगा, तो ये सारा हो गया जीरो। तो 2h² प्लस 3h अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ऊपर से h कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2h+3 अपॉन h, h से h कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट लगाओगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो आंसर कितना आ रहा है इसका, 3 आ रहा है। अब देखो अपने को प्रूफ में क्या करना था,
एफ डैश 0 प्लस 3f-1=0। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करते हैं। एफ डैश 0 की वैल्यू अपने पास में कितनी आई है, 3। तो इसको मैं 3 पुट करता हूँ। अब 3f-1 की वैल्यू आई थी अपने पास में, चेक करते हैं कितनी आई थी। एफ डैश माइनस वन की वैल्यू आई -1, तो यहाँ पे 3-1, तो ये 3-3 क्या हो जाएगा, 0। तो राइट हैंड साइड के इक्वल, तो ये हैंड्स प्रूफ। इस टाइप से इसको प्रूफ करना। चलो ये यहाँ पे तो 3-0 था, ये इनसे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है अपने एक्स इक्वल्स टू 0 पर साइन एक्स का अवकलज याद कीजिए। वैसे देखो डायरेक्ट करना चाहो तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स क्या पुट करना 0, और कॉस 0 पे वैल्यू कितनी होती है अपनी, 1। ठीक है, अपन इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सोल्व करेंगे। तो आपको फंक्शन गिवन है साइन एक्स, ठीक है। अब पॉइंट ए क्या है अपना, 0। तो इसको लिखो एफ डैश 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। अब साइन पुट करो तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस एच माइनस साइन 0 अपॉन एच। साइन 0 पे वैल्यू 0, ये हो जाएगा साइन एच अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसको आप अलग से नोट कर लेना कि यदि ऐसा हो कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो
और साइन एच अपॉन एच हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यहाँ पे एक्स टेंड्स टू 0 भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1। अब एक्सरसाइज चलो 13.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है कि एक्स इक्वल्स टू 10 पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात कीजिए। ये अपना क्या है, फंक्शन है, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे अपने को अवकलज पता करना। तो एफ डैश एक्स क्या लिखेंगे अपन, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो एफ डैश पॉइंट है अपना 10, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा अपना एफ 10 प्लस एच माइनस एफ 10 एक सेकेंड करवा देंगे, कौन सा रह गया जो भी है ना शायद। कौन सा रह गया, एक बार आप ट्राई करना, नहीं हो तो मेरे को बता देना, मेरे इसमें है नहीं शायद, उस पर व्हाट्सएप पे कर देना, मैं करवा दूंगा ना, इसमें शायद नहीं है मेरे वाली बुक में। अब देखो अपना फंक्शन एफ एक्स का क्या बनता है, एफ एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो एफ लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, तो 10 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2, और इसको इसको लिखोगे तो 10² - 2, और ये क्या बन जाएगा 10² - 2 अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा 10 का 100 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h - 2 -100 प्लस 2 अपॉन एच, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इनसे ये कैंसिल, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2h अपॉन एच, ऊपर से h कॉमन लो तो यहाँ पे बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच कॉमन लेने पे एच प्लस 2 अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, एच की जगह 0 पुट किया तो लास्ट में रिजल्ट आ गया अपना। यहाँ पे एक सेकेंड देखो, 100 था ना, 10 से ये 20h है ना, ये 20h, ये भी 20h और ये 20, ये सारा 0, तो ये लास्ट में अपना रिजल्ट रह जाएगा 20, ठीक है। जैसे डायरेक्ट इसको सॉल्व करना चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, और x की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा अपना 20।